चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। एंड इसमें करो, कहाँ तक पहुंच गए थे? कुछ सवाल दिया था क्या मैंने? हाँ, एक सवाल दिया था, छोटा सा एक क्वेश्चन दिया था। क्या था मैंने दिया था? कि इतना तो वो दिया था, मास कितना दिया था बोलो? मास भी 40 ग्राम दिया था। अच्छा, और टेम्परेचर डिफरेंस 20 से 50 तक। अच्छा, तो टी इनिशियल दे दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, और टी फाइनल दे दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे देखना था कि यार इसने क्यू कितना करना है। तो क्यू इज इक्वल टू एम एम एस डेल्टा टी। तो एम की वैल्यू है 40। अब देखो यहां पर ग्राम है और यहां पर भी ग्राम है, तो चल जाएगा, है ना? ध्यान रखना यूनिट का, हमेशा ध्यान रखना। तो मैंने यहां दे दिया 40, और ग्राम इसकी एस की वैल्यू क्या लिखे? 40 कैलोरी पर ग्राम। और ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना लिखे? वो हो जाएगा 50 माइनस 20। तो ये आ चुका है 40 × 40, कितना आ जाएगा? 1600। और ये आ चुका है 30, तो ये आ चुका है 48123। और यूनिट क्या लिखे? कैलोरी। क्यों कैलोरी, क्यों जूल नहीं? क्योंकि ये जो है वो कैलोरी में दिया हुआ है, दैट इज व्हाई ये बन जाएगा कैलोरी। फाइनल आंसर वुड बी इन कैलोरी। चलो ठीक है, अब अगली चीज मैं आपसे पूछता हूँ। अब मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं कि ये है अपना, मान लीजिए ये है आइस, आइस है, ये है 1 kg, और या 1000 या 500 ग्राम कर लेते हैं इसको, 500 ग्राम कर। और यहां पर भी ये है आइस, और यहां पर मैंने कह दिया ये है 20 ग्राम। बताइए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए ज्यादा होगा? अच्छा, कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। पक्का? बाकी लोग? नहीं रे बाबा, अभी देखो मैं क्या बोलता हूं। चलो ठीक है, अब सुनो, अब कोई नहीं बोलेगा, अब मेरी बात सुनो। देखो सबसे पहले तो ये बात बताओ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के लिए जो हमने डेफिनेशन बोली थी वो क्या बोली थी? कि यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट, यही लिखा था ना? यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट। तो यहां पर 500 ग्राम जो हमारा था और ये 20 ग्राम था, तो यहां पर अगर मुझे स्पेसिफिक हीट निकालनी है तो इसमें से मेरे को 500 ग्राम नहीं, मुझे क्या लेना पड़ेगा? 1 ग्राम लेना पड़ेगा। और यहां से भी 20 ग्राम नहीं, मुझे क्या लेना पड़ेगा? 1 ग्राम लेना पड़ेगा। तो 1 ग्राम आइस का 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो टेल मी, अब इन दोनों के लिए किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी? दोनों की सेम होगी। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ चुकी है, क्या? कि भैया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है? क्या नहीं डिपेंड करती है? नहीं डिपेंड करती है। इसका मतलब मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, लिखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, तो आई कैन से दैट कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर 500 ग्राम ऑफ आइस इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर 20 ग्राम ऑफ आइस. इज इट क्लियर? चलो ठीक है, यहां से भी हमें क्लियर हो गया कि हाँ भाई कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट, कि भैया अमाउंट ज्यादा हो चाहे 500 ग्राम हो या 5000 किलो हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल रिमेन सेम. ऑन द अदर हैंड अगली टर्म हम देखते हैं, दैट इज हीट कैपेसिटी. तो यहां पर हेडिंग लिखें दैट इज हीट कैपेसिटी, है ना. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं देख रहे हम, क्या देख रहे हैं? हीट कैपेसिटी. तो देखिएगा यहां पर मान लीजिए ये है ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मास इज इक्वल टू एम, हीट क्यू इज सप्लाइड टू ऑब्जेक्ट एंड टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू हीट सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा टी. तो मैंने क्या किया कि भैया इसका मास था एम, ठीक है, फिर मैंने कहा कि यार इसको जो क्यू हीट सप्लाई कर दी गई और टेम्परेचर चेंज कितना हो गया डेल्टा टी. तो यहां पर हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज, हीट कैपेसिटी इसको जनरली सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जनरली सी से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसमें लिखें हीट रिक्वायर्ड, इट इज हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, इट इज हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय 1 unit, by 1 unit. It is heat required to increase the temperature of the body. It is heat required to increase the temperature of the body by 1 unit. तो बताइए यहां पर हमने कितना मास लिया था, इसको कितनी हीट सप्लाई करी, इसे कितनी हीट सप्लाई करी, क्यू हीट सप्लाई करी, इसका टेम्परेचर चेंज कितना हो गया डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हो गया. तो मैं अगर हीट कैपेसिटी के लिए कहता हूं, मुझे पता है कि डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट अगर लिखें तो वो आ चुका है क्यू. तो डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट अगर क्यू है तो बताइए यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट क्या लिखा जाएगा, क्यू बाय डेल्टा टी. तो यही तो हमें चाहिए था कि भैया यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट को हीट कैपेसिटी कहते हैं, यानी कि सी की वैल्यू यहां से बनी है Q बाय डेल्टा T. तो यहां से इसकी जो यूनिट बताएगा क्या होगी, यूनिट जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस, या और कॉम्बिनेशन बना लो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या कैलोरी पर केल्विन, और भी कुछ भी कर लो, इस तरह से अपन कर सकते हैं. तो ये आ चुकी है इसकी यूनिट. तो बताइए मैं अगर आपसे पूछता हूं कि यहां पर मैंने ले लिया 500 ग्राम का आइस ले लिया, मान लो 500 ग्राम आइस, और दूसरा ले लिया मैंने वापस से 20 ग्राम आइस, इसका टेम्परेचर चेंज हमने डेल्टा टी और ये डेल्टा टी कर दिया. बताइए
यहां पर हीट कैपेसिटी दोनों में बराबर होगी कि नहीं होगी? बराबर नहीं होगी, बताइए किसकी ज्यादा होगी? 500 वाइम, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि भाई हमने देखा था कि ये जो हीट कैपेसिटी थी उसके लिए क्या बोला है कि यार हमने कहा है कि यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट, और मुझे पता है कि ये 500 ग्राम है, इसका मतलब ज्यादा हीट लिया होगा इसने। यह है 20 ग्राम, इसका मतलब इसने कम हीट लिया होगा। तो मैं कह सकता हूं हीट अगर ज्यादा लिया, हीट अगर ज्यादा लिया तो मैं कह सकता हूं यहां पर हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं हीट कैपेसिटी फॉर 500 ग्राम ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी फॉर 20 ग्राम, हीट कैपेसिटी फॉर 20 ग्राम। तो इस तरीके से हम जज कर सकते हैं। तो बोलो बाबा, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ जी, और ऊपर तो ये लो जी। हाँ जी, तो हाँ जी, लिख लो लिख लो लिख लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दोबारा बोल। क्या कह रहा है? अरे, इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट लिखा है, इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट लिखा है बच्चा। हे भगवान, जैसे अब 1 यूनिट का मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1 केल्विन, ऐसा लिखा हुआ है। वो यूनिट का मतलब वो अलग अलग यूनिट हो सकती है ना, कि डिग्री सेल्सियस या केल्विन या फ़ारेनहाइट। हाँ, तीनों भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहां लिखूं कि भैया हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रू हो जाएगा कि फॉल्स हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो यहां स्टेटमेंट लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिख लीजिए, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी। चलो ठीक है, अब अगली बात करते हैं। मेरे पास आ गया सी, बराबर कितना आ गया? क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो बताइए क्यू सप्लाई कितनी आ गया? सी इंटू डेल्टा टी। ऐसा ही एक काम हमने वहां पर भी किया था, कैसे? क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट है तो उसकी कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी होगी। तो मैं यहां पर देख सकता हूं कि दोनों चीजें बराबर ही हैं। तो यहां से आ गया सी डेल्टा टी बराबर आ चुका है एम एस डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी खलास, तो सी इज इक्वल टू एम इंटू एस। और इस बात से हमें मैथमेटिकली भी पता लग गया कि भैया मास बढ़ा दोगे तो ये हीट कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, या मास को कम कर दोगे तो हीट कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। डन डना डन डन, ओके। तो चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लिखें, सवाल लिखें। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज
20 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, 20 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, 20 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम, टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस. ये आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कितना बोला था मैंने 20 बोला था, तो यहां पर Q इज इक्वल टू C इनटू डेल्टा T, तो ये आ जाएगा 20 और डेल्टा T कितना आ गया 60 माइनस 20, तो ये 40 इनटू 800 यूनिट बताओ कैलोरी. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि भैया दिस वुड बी दी टोटल हीट रिक्वायर्ड. डन 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 डन. चलो ठीक है, ठीक 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 इसी का सेकंड पार्ट लिखिए, सेकंड क्वेश्चन. इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 100 ग्राम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 100 ग्राम, देन फाइंड mass of the object is 100 gram, then find specific heat capacity. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो मेरे पास बन जाएगा C is equals to ms, तो s is equals to c by m. c की वैल्यू दिया है 20 और m की वैल्यू दिया है 100, तो ये आ गया 1/5. यूनिट बताना और सही बताना. वेरी गुड, क्योंकि भैया हमारे पास स्पेसिफिक हीट दिया था, सी दिया था ना. सी किसमें दिया था? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस में दिया था, और ये किसने में आ गया? ग्राम. तो ये आ गया कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. डन 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 डन, अपना काम हो चुका है. चलिए जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि भैया और आगे अगर बात बढ़ा दी जाए तो क्या होता है. तो हम क्या करते हैं कि आइस को हीट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि आइस को हीट किया जाए तो क्या होगा. तो मैं देखता हूं हीटिंग ऑफ आइस, है ना. तो अपन ने क्या लिया, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. यहां पर एक कंटेनर ले लिया मान लो, और उस कंटेनर में मैंने क्या डाल दिया, आइस के ऐसे यहां पर क्यूब डाल दिया, आइस क्यूब इस तरह से, ये ऐसे 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 खूब सारा आइस डाल दिया. फिर यहां से अपन ने बर्नर लगा दिया ऐसे, इसको गर्म करने का यहां पर ये लगा दिया, है ना. 9th-10th में तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी रहती होगी ना साइंस में, है ना. मेरी मेरी भी अच्छा, मेरी भी अच्छी हुई करती थी एक टाइम तक, लेकिन क्या है ना, अब तो अब वो इतना नहीं रहा, थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं अच्छा अच्छा लेकिन लेकिन इस ड्राइंग के बेसिस पर मेरी ड्राइंग जज मत करना, बस ये कहना चाहता हूँ, ठीक है. तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर बर्नर है, यहाँ पर ये क्या होगा कि आइस को गर्म कर रहे हैं, आइस को गर्म कर रहे हैं, तो आइस धीरे 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 गर्म हो जाएगी. मान लो आइस मैंने गर्म करना शुरू किया था -60 डिग्री सेल्सियस, आइस थी बर्फ था, -60 डिग्री सेल्सियस से गर्म होना शुरू कर दिया. गर्म होना शुरू हुआ तो बताओ -60 से कहां पहुंचा, -50, -50 से -40, -40 से -30, -20, -10 और 0 पहुंच गया. तो मैंने देखा कि भैया जैसे जैसे हीट दी गई टेम्परेचर इसका इंक्रीज करता गया, -60 से 0 तक पहुंच गया. लेकिन अब आई चमत्कारी बात. क्या चमत्कारी बात आई कि जब टेम्परेचर 0 पहुंचा तो हमने देखा भैया हीट दे दिया जाए तो उसके बाद में मेल्टिंग शुरू हो गई और टेम्परेचर रुक गया, कांस्टेंट हो गया.
तो मैंने क्या देखा कि भैया यहां पर हमने इसको बर्नर को ऐसे बर्न कर दिया, तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया, और जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तो और हीट करने के बाद में इसका कोई भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है और यहां पर मेल्टिंग शुरू हो चुकी है। मैंने देखा पहले 100 ग्राम आइस थी, तो धीरे 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 100 ग्राम से हो चुकी है, फिर 90 ग्राम आइस हो गई, फिर थोड़ी सी और मेल्ट हो गई तो 50 ग्राम हो गई, फिर थोड़ी सी और मेल्ट हो गई तो 40 ग्राम हो गई, थोड़ी सी और मेल्ट हो गई तो 30 ग्राम हो गई, और मेल्ट होते होते अल्टीमेटली 0 ग्राम आइस बची है अपने पास में, तो सारा का सारा लिक्विड हो गया। तो जब ये मेल्टिंग का काम हो रहा था तो हमने देखा भैया कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। तो मैं अगर Q वर्सेस टेम्परेचर T का ग्राफ बनाता हूं तो यहां देखने में कैसा मिलेगा कि भैया शुरू में हमने कुछ हीट नहीं दी थी और टेम्परेचर कितना था, -60 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने क्या कर दिया, हीट दे दिया। हमने क्या किया, हीट दिया। हीट दिया तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ने लगा, हीट दिया टेम्परेचर बढ़ने लगा, हीट दिया टेम्परेचर बढ़ने लगा, हीट दिया टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब देखो यहां पर टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया तो मैं कह सकता हूं कि भाई यहां पर अब क्या होगा, फेज चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड में होगा, और यहां पर हीट दिया जाए दिया जाए दिया जाए तब भी टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। कब तक नहीं हुआ, जब तक कि हमारा पूरा फेज चेंज खत्म नहीं हो गया। फिर अब जब यहां देखा तो मैं कह सकता हूं कि 100% आइस था, और जब ये यहां पर खत्म हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 100% वाटर बन चुका है। और इसके बाद में और हीट दिया जाए तो अब टेम्परेचर ऑफ वाटर वुड इंक्रीज, तो क्यू और दे दिया जाए, क्यू और दे दिया जाए तो ये टेम्परेचर बढ़ता जाए 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता जाएगा। हाँ, तो फिर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ तो ये फिर कांस्टेंट पाया गया, फिर क्या है, ये कांस्टेंट पाया गया। और फिर उसके बाद में और अगर मैंने देखा तो मैंने यहां लिखा था 100% वाटर था शुरुआत में, और यहां पर क्या है, 100% स्टीम बन चुका है। और अब हीट और दे दिया जाए तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा ऊपर जाता हुआ दिखेगा, मेरी जगह खत्म हो गई लेकिन हाँ ऊपर जाता हुआ इस तरह से दिख रहा होगा। डंडना डंडन बोलो, समझे क्या? ओके, तो यहां पर हुआ है फेज चेंज, यहां पर भी हुआ है फेज चेंज, यहां फेस चेंज हुआ है नीचे वाले में, यहां क्या हुआ, आइस से वाटर में फेस चेंज हुआ है, और यहां पर क्या फेस चेंज हुआ है, वाटर से स्टीम में फेस चेंज हुआ है। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, तो अब मेरे पास में देखता हूं कि यार फेस चेंज हुआ आइस से वाटर में हो गया, फेस चेंज हुआ ये वाटर से स्टीम में हो गया। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब अगली बात करते हैं कि क्या देखा मैंने कि जब हमने आइस से वाटर में फेज चेंज करवाया तो बताओ कोई हीट दी थी कि नहीं दी थी हमने, लेकिन क्या फेज चेंज के ड्यूरेशन में क्या कोई टेम्परेचर चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो देखो होता क्या है ना, देखो होता क्या है ना कि यार अपने को क्या है कि ये देख रहे हो कि यार हीट दी तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, है ना, हीट दी तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, हीट दी तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए और बढ़ जाना चाहिए, और हीट दे दी तो और टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, इस तरह से होता जाना चाहिए। तो अब देखो क्या हुआ कि यार यहां पर एक चीज हो गई कि मैंने हीट तो दे दिया लेकिन भाई साहब टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, तो अपने दिमाग में आया ओ माई गॉड मेरी हीट दी हुई कहाँ गई, तो वो क्या हो गई, गायब हो गई। और गायब हो गई तो इसी गायब होने वाली हीट के आधार पर हमने क्या डिफाइन किया, एक टर्म डिफाइन करी, लेटेंट हीट ऑफ कैपेसिटी, लेटेंट हीट या लेटेंट कैपेसिटी।
एक मिनट रुक जा भाई, मेरी पूरी बात सुन ले, है ना। डाउट लूंगा, बीच में मत बोलो, एक बार मुझे खत्म हो जाने दो तो फिर बोल देना। तो लेटेंट हीट या लेटेंट हीट कैपेसिटी, लेटेंट मतलब क्या, छुपा हुआ, कहाँ छुप गया भैया। अरे यार हमने क्या किया था ना, जब ये फेज चेंज के दौरान में हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ये जो इस ड्यूरेशन में ना टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि यार हमारी जो हीट दी हुई थी वो छुपी हुई फील हो रही है ना, छुपी हुई, कहीं गायब होती हुई फील हो रही है। तो उस गायब होती हुई उस गायब होती हुई हीट को ही हम लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। तो अभी इसके बारे में और बात करेंगे। हाँ, कोई डाउट पूछ रहा था, बोलो बोलो, क्या डाउट पूछ रहे थे। ठीक है, तो यहां पर एक मिनट रुको, कि यहां पर लिखो सबसे पहले, ड्यूरिंग द फेज चेंज प्रोसेस। हाँ, यहां पर लिख लीजिए इस टॉपिक से, इससे पहले यहां पर, ड्यूरिंग द फेज चेंज प्रोसेस, ड्यूरिंग द फेज चेंज प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। है ना, टेम्परेचर रिमेन्स ड्यूरिंग द फेज चेंज प्रोसेस, ड्यूरिंग द फेज चेंज प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसी में अगला लिखें, द फिक्स्ड टेम्परेचर एट फिक्स्ड प्रेशर, द फिक्स्ड टेम्परेचर एट फिक्स्ड प्रेशर एट विच द फेज ऑफ द सब्सटेंस, द फेज ऑफ द सब्सटेंस फेज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज, इज नोन एज कौन सा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। द फिक्स टेम्परेचर एट फिक्स प्रेशर एट विच द फेज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज, सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं। हाँ जी, अगला लिख लो, लिख लो, लिख लो। हाँ जी, अभी एक मिनट, ये बॉइलिंग पॉइंट वाला लिख ले, अपना वो मेल्टिंग पॉइंट खुद ही लिख लेगा। ठीक है, तो लिखो, द फिक्स्ड टेम्परेचर एट फिक्स्ड प्रेशर, द फिक्स्ड टेम्परेचर, हाँ, द फिक्स्ड टेम्परेचर एट फिक्स्ड प्रेशर एट विच एट विच द फेज ऑफ सब्सटेंस, द फेज ऑफ द सब्सटेंस
चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज नोन एज इज नोन एज बिल्कुल सही बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट डंडना डंडन ठीक है अब लिखते हैं लेटेंट हीट ग्राफ ये लो जी डन ठीक है अब इसमें लिखें लेटेंट हीट और लेटेंट हीट कैपेसिटी और इसमें पहला लिखें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिसको हम एल एफ से जानेंगे एल एफ से जानेंगे इसमें लिखें द हीट रिक्वायर्ड द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड at its melting point is known as latent heat of fusion latent heat of fusion of substance लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस तो मान लीजिए ये है हमारे पास m ग्राम ऑफ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट है ना या m मास ले लीजिए m सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट है और हमने सप्लाई कर दिया हीट Q is supplied to melt the mass completely. देन मैं कह सकता हूं भैया m मास के लिए कितनी हीट चाहिए Q हीट चाहिए तो बताइए यूनिट मास के लिए कितनी हीट चाहिए होगी यूनिट मास के को मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हीट क्यू अपॉन एम इसको इंग्लिश लिख लेना यार क्या इंग्लिश नहीं आती तेरे को हाँ Required heat is equals to Q by M. इतना क्या लोड ले रहा है ये ऐसी कोई बहुत हिंदी थोड़ी लिख दिया है चुप रहे ऐसा कोई बहुत मुड़ी मुश्किल थोड़ी ना है क्यों रे बाकी क्लास आपको दिक्कत हो रही है इस हिंदी से एकदम जो काम की चीजें हैं वो अंग्रेजी में लिख तो रहा हूँ है ना और ऐसा कोई मुझे शौक नहीं है समझ में आना चाहिए एकदम सिंपल भाषा रखोगे तो समझ में आ जाता है अभी अंग्रेजी लिखूंगा तो आधे लोग मर जाए हाँ तो यहां से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेरे पास बन गया Q अपॉन M एंड दैट इज द फाइनल आंसर तो मैं अगर कहता हूं भैया
यहां से कितनी हीट चाहिए होगी, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, एम इंटू एल एफ। क्या कोई बता सकता है इसकी यूनिट क्या होगी? कितनी 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 कैलोरी पर ग्राम, या कैलोरी पर किलोग्राम भी ले सकते हैं, या जूल पर ग्राम, या जूल पर केजी। यू गेट द आइडिया, कुछ भी कर सकते हैं। डन, ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट कहूं तो क्या कहा जाएगा? एसआई यूनिट यह आ जाएगा जूल पर केजी बन जाएगा। अब जिस प्रकार से हमें पानी के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखनी थी, उसी प्रकार से हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस से वाटर जो जाने वाला सीन था वो याद रखना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू आ जाती है 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम, ये मुझे भी याद है, आपको भी याद होना चाहिए, और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि भैया पेपर में ये दिमाग में रहेगा, और पेपर में ये डेटा नहीं दिया होगा। कौन सा? पानी वाला। पानी का ना तो स्पेसिफिक हीट दे रखा होगा, पानी का ना तो आपको लेटेंट हीट भी दिया हुआ होगा। डन डन डन। तो ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा लिखें, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। तो इसको एलवी से दिखाया जाता है। क्या कोई बताएगा इसको क्या लिखेंगे? हिंदी, मराठी, इंग्लिश में कुछ में भी बोल दो, क्या लिखेंगे? हाँ, ये हो जाएगा कि भैया लिक्विड से गैस में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पर कितनी हीट चाहिए होगी, ताकि वो पर यूनिट मास को कितना हो जाए, तो कितनी हीट चाहिए। तो लिखें, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, हीट रिक्वायर्ड एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू From liquid to gas is known as liquid to gas is known as liquid to gas is not known as लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ दैट सब्सटेंस, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। हाँ जी, हाँ जी, लिखे, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन,
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। ये ऊपर वाला ये क्या डन? ये लो जी, चलो तो मैं अगर एलवी की वैल्यू लिखो 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 पर मेल्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हीट, यूनिट मास को मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हीट। डन? हाँ जी, तो लिखें, तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात कर रहे हैं। वेपराइजेशन में हम क्या करेंगे कि भैया लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो लिक्विड को हीट दे दिया, यहां पर हीट दे दिया, कितना दे दिया, मान लो क्यू हीट दे दिया, इसका मास कितना था, मास इज इक्वल टू एम। तो मैंने कहा कि भाई एम मास को बॉइलिंग पॉइंट पर फेज चेंज के लिए रिक्वायर्ड हीट एंड दैट इज क्यू। तो बताइए यूनिट मास को कितना चाहिए होगा, यूनिट मास को बॉइलिंग पॉइंट पर फेज चेंज के लिए रिक्वायर्ड हीट वुड बी क्यू बाय एम। और इसी चीज को हम क्या जानते हैं, एलवी के नाम से जानते हैं। तो ये आ जाएगा, इसको हमने लिख दिया है एलवी, तो यहां से आ गया एलवी बराबर क्यू अपॉन एम, या क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एलवी। तो जिस तरह से पानी के लिए हमने वो किया था, ये भी याद रखना है, तो मैं लिख सकता हूं एलवी फॉर वॉटर टू वेपर फेज चेंज। बोलो क्या बनेगा, वो आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं, दैट इज इक्वल टू 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि एक ग्राम को हमें पानी से वेपर तक ले जाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ी, 540 कैलोरी देनी पड़ी। तो यार एक चीज सुनना, समझना कि हमने एक ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए था, बोलो, 80 कैलोरी। अच्छा एक ग्राम पानी को वेपराइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, बोलो, 540 कैलोरी। तो कौन सा ज्यादा है, 540 कैलोरी ज्यादा है। तो एक चीज मैं कह सकता हूं, जरा ध्यान से सुनना, कि पानी से वेपर तक जाने के लिए हीट देना पड़ा, तो वेपर से पानी में आने के लिए हीट निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या? हाँ जी। तो अभी मुझे लगता है सभी ने रोटी वगैरह खाई होगी, रोटी चपाती वगैरह, है ना, तो अब वो खाई होगी, तो एक चीज बताओ कि भाई जब वो उसमें कभी ऐसा एकदम वो कचौरी की तरह फूल जाती है ना, एकदम मस्त तरीके से फूली हुई ऐसे समझो, तो जब उसमें ऐसा कोई छेद हो गया और ऐसे एकदम झटके से भाप आती है और हाथ पे लगती है उसकी, बहुत तेज लगती है ना, हाँ उधर छाला बन जाता है कभी कभी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया यहां पर एक ग्राम अगर वेपर पानी में कंडेंस होती है तो उसने 540 कैलोरी निकाल देती है एनर्जी, जो कि बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर से अगर आइस में हम जाते हैं तो उससे तो कितनी निकलेगी, 80 निकलेगी। तो इसीलिए स्टीम का जो जब ये अपने हाथ में लग जाती है तो बहुत बड़ा झटका लगता है, मतलब वो बहुत तेज लग जाता है कि भाई ये तो ज्यादा हो गया, मतलब हाथ को फील हो जाता है मस्त वाला, समझ रहे हो क्या, हाँ ये ज्यादा फील हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इज इट क्लियर नाउ,
ओके तो चलिए अभी क्या करता हूं ना, मैं 1 ग्राम आइस एट -60 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और इसको मैं लेके जाना चाहता हूं कि 1 ग्राम वेपर एट 130 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना चाहता हूं। अभी शुरुआत में क्या था, 1 ग्राम आइस था कहां पर, -60 डिग्री सेल्सियस पर, और हम इसे लेके जाना चाहते हैं 1 ग्राम वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं 130 डिग्री सेल्सियस पर। तो हीट देना पड़ेगा कि निकालना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो यहां से मैंने शॉर्टकट में ऐसे बना तो दिया, लेकिन बीच में कई सारी चीजें हो रही होंगी। तो सबसे पहले तो मैं क्या बोलता हूं कि यार 1 ग्राम आइस एट -60 से मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर और हीट दिया तो अब आगे क्या टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, नहीं, क्या होगा, यहां होगा फेज चेंज। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम वॉटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर यहां पर और हीट दिया तो अब क्या होगा बोलो, 1 ग्राम वॉटर 100 डिग्री सेल्सियस। फिर इसको और हीट दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 ग्राम वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और फिर यहां से और हीट दिया तो 1 ग्राम वेपर एट 130 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ ये -60 से 0 गया तो टेम्परेचर चेंज हुआ कि फेज चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। तो टेम्परेचर चेंज होता है तो बताइए यहां पर अगर मैं हीट कहता हूं Q1, बताइए कितना लिखा जाएगा वो, एम एस डेल्टा टी। तो एम है 1, एस की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव याद होनी चाहिए, और डेल्टा टी कितना है, 60 आ जाएगा। फाइन 0 माइनस ऑफ -60 तो ये आ जाएगा 30, और यूनिट क्या होगा, कैलोरी होगा, क्योंकि एस की वैल्यू जो होती है वो कितना था। हाँ फिर अब बताओ 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, बताइए यहां पर फेज चेंज हुआ कि टेम्परेचर चेंज, फेज चेंज। तो यहां का जो मैंने Q2 लिखा वो क्या लिखेंगे बोलो, वो हो जाएगा एम इंटू एल एफ, एम कितना है 1 × 80, तो ये आ गया 80 कैलोरी। फिर हमने अगला क्या किया, 1 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर चेंज कर दिया। तो बताओ यहां पर कितना, मतलब ये कितना अमाउंट होगा, यहां पर अगर मैं Q3 लिखता हूं तो वो हो जाएगा एम एस डेल्टा टी, एम की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 100, अरे एस की वैल्यू एस एस 1, और डेल्टा टी ये आ जाएगा 100 - 0, फाइनल टेम्परेचर है 100 और इनिशियल है 0, तो 100 - 0 तो ये आ चुका है 100, यूनिट बोलो कैलोरी, दिस वुड बी 100 कैलोरी। चलो ठीक है अब अगला बताओ, हाँ तो यहां पर फेस चेंज बनेगा, फेस चेंज बनेगा। तो यहां पर Q4 अगर मैं कहता हूं तो बताइए कितना चाहिए होगा, ये आ जाएगा 1 × 540, 1 × 540 यानी कि 540 कैलोरी। चलिए अगला बताइए, 1 ग्राम वेपर मतलब अब क्या करें अगला, बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा, ये टेम्परेचर चेंज हुआ है तो एम एस की वैल्यू कितना है 0.5, और डेल्टा टी कितना है, ये है 30, तो ये आ जाएगा 130 - 30 कितना आ गया रे, 15 कैलोरी आ गया, वो सॉरी 130 - 100, 130 - 100 तो ये आ गया है, हाँ तो 15 कैलोरी आ चुका है। तो देखो इसमें कोई भी दिक्कत हुई हो आपको यहां से यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इस चीज के लिए मैं क्या करता हूं, ग्राफ बनाता हूं,
और जो ग्राफ पहले बनाया था ना, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बनाना चाहता हूं, लेकिन इस बार इस ग्राफ की बारीकियों का भी ध्यान रखूंगा। बारीकियां मतलब कि स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ या अमाउंट ऑफ एनर्जी, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। तो टेम्परेचर और ये हमने कर दिया क्यू। तो शुरुआत में अपने पास क्या था, 1 ग्राम, कहां पर था, -60 डिग्री सेल्सियस पर। फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, टेम्परेचर बढ़ा दिया गया मतलब हीट दे दी गई, टेम्परेचर बढ़ता गया। तो इसका यहां पर ये ऐसा ग्राफ देखा, ये यहां पहुंच चुका है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या कोई बता सकता है यहां पर ये जो अमाउंट रहा वो कितना रहा, ये क्यू की वैल्यू 30 कैलोरी आ चुका है। फिर उसके बाद में हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया। तो टेम्परेचर चेंज सॉरी फेज चेंज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहते हुए हमारा यहां पर, यहां पर 100% आइस से 100% वाटर कन्वर्ट हो चुका है। तो बताओ ये जो गैप है एनर्जी का वो कितना है, 80 कैलोरी। अब क्या हो चुका है, वाटर है, अब हमने हीट दे दिया, और हीट दे दिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा स्ट्रेट लाइन की तरफ से। तो बताओ जो अगली स्ट्रेट लाइन में बनाता हूं और ये जो स्ट्रेट लाइन में बनाता हूं, दोनों का स्लोप सेम रहेगा कि अलग अलग होगा, अलग होगा। एंड कैसे पता लगेगा कि भैया किसका स्लोप ज्यादा किसका स्लोप कम, बिल्कुल, क्योंकि मुझे लिखा जाता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो यहां से आ गया डेल्टा टी बराबर क्यू अपॉन एम एस। देखो ये टेम्परेचर को तो वाई एक्सिस पर लिया है, क्यू को हमने एक्स एक्सिस पर लिया है, तो ये 1 अपॉन एम एस, ये 1 अपॉन एम एस, ये क्या बन चुका है, स्लोप। तो जहां पर एस की वैल्यू ज्यादा वहां पर स्लोप की वैल्यू कम। फिर से कहता हूं, जहां पर एस की वैल्यू ज्यादा, जहां पर एस की वैल्यू ज्यादा वहां पर स्लोप की वैल्यू है कम। तो बताओ एस की वैल्यू ज्यादा पानी के लिए होती है कि बर्फ के लिए, पानी के लिए। तो एस की वैल्यू उसके लिए ज्यादा होगी, एस की वैल्यू इसके लिए ज्यादा होगी, तो यहां पर स्लोप की वैल्यू कम पाई जाएगी। तो ग्राफ जो दिखेगा ना वो थोड़ा ऐसा दिखेगा, देख सकते हो, थोड़ा मैंने कोशिश करी है कि स्लोप जो है वो कम दिखा एज कंपेयर टू दिस ग्राफ, समझ रहे हो, ठीक है। तो फिर इसके बाद में ये हीट देते गए ये टेम्परेचर यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस। और इस ड्यूरेशन में कितना हीट दिया होगा अपन ने, 100 कैलोरी, ठीक है। ये ऊपर की चीज मिटा दूं क्या, ग्राफ बनाने के काम में आएगा मेरे को जगह, ये मिटा दूं यहाँ, हाँ ये तो ये बन चुका है। अब ये थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा मेरे को, है ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि 80 कैलोरी इतना बड़ा बनाया है तो 100 भी थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इस चीज को। तो ये 100 कैलोरी, और है ना, इसको भूल जाओ, ऐसा कुछ किया था अपने, वो ऐसा कर लिया था, जगह नहीं थी इसलिए मैंने कर दिया था। तो यहां पर ये आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। फिर अगली बात करते हैं, तो मैंने देखा इस पॉइंट पर पहुंच गया, अब मैंने हीट और दे देनी है, तो हीट दे दी तो यहां फेज चेंज होगा, फेज चेंज होगा तो कितना बड़ा होगा यहां पर, कितनी देनी पड़ेगी हीट, 540। तो वो लाइन बनाना चाहूंगा ना, तो वो तो यहां से स्क्रीन से बाहर ही चला जाएगा। अरे भैया उस लाइन की जो लंबाई है वो 540 है, तो मैंने देखो कि भैया ये 30 और ये 80, ये 30 और ये 80 और 100 तक अगर इतना कर दिया तो 540 तो मतलब बहुत 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 बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो ना, हाँ, वो स्क्रीन से बाहर हो जाएगा। तो अब मैं देखता हूं कि भैया ये जो गैप होगा ये होगा 540 कैलोरी। फिर उसके बाद में फेस चेंज हो गया, फेस चेंज हो गया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज किया तो कितना कर दिया, ये कर दिया। बताओ इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप कौन सी वाली लाइन से मैच करना चाहिए, पहली वाली, बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट और ये स्पेसिफिक हीट बराबर है तो ये स्लोप बराबर होगा।
तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि भैया इसका स्लोप और ये स्लोप सेम होंगे, सेम, क्योंकि Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा T, तो डेल्टा T बराबर Q अपॉन एम एस। जरा बताओ आइस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी लिखते हैं, 0.5। बताइए वेपर के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितना लिखते हैं। तो दोनों के लिए S की वैल्यू सेम, M की वैल्यू सेम, तो यहां पर ये जो स्लोप बना है 1 अपॉन एम एस वो सेम आ जाएंगे। तो इन दिस वे यहां पर फाइनली ये हमारे पास 130 डिग्री तक हमने इसको पहुंचा दिया है। तो डन 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 बोलो, समझो ग्राफ को एकदम टेक्निकली, समझे कि नहीं समझे? ओके बच्चा, तो चलो एक काम करते हैं, अभी इतना ही रखते हैं इस क्लास में। ओके तो चलो बच्चा, बाय।